नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस की आगामी राजनीतिक यात्रा के लिए खुद को तैयार बताया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम सभी नेता तैयार हैं और प्रदेश कमेटी के अनुरोध पर इस यात्रा में राहुल गांधी भी आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए ऊर्जा देने की यात्रा कही जा सकती है। आज हम लोग सब लोग जो है एक बड़ी यात्रा, राजनीतिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होगी, राजनीतिक गतिविधि होगी जिसके लिए हम सब बैठ रहे हैं। और मुझे ये मालूम पड़ा है प्रदेश कांग्रेस के अनुरोध पर राहुल जी ने भी उसमें आना स्वीकार। उधर राहुल गांधी को कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से राहुल की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मिली राहत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी के तहत देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। तीनों ने ही इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से समाप्त की गई थी, आप उससे भलीभांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को इंगित किया कि भाई राहुल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को जो निरस्त किया गया वो उचित नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और वो आज लोकसभा में है। और लोकसभा में राहुल गांधी जी, इस देश के लोकतंत्र पर जो प्रहार हो रहा है, इस देश के संविधान को जो पैरों तले कुचला जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के माध्यम से जो है सरकार पर प्रहार करने का काम करेंगे। और इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और अब मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की उपस्थिति भी हो गई है। वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद जहां देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के साथ सही व्यवहार न करने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि जब हम सत्ता में थे उस वक्त विपक्ष के नेताओं की इज्जत हुआ करती थी, विपक्ष के नेता आज बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म करा दी जाती है। उसके नेता का सम्मान जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और यहाँ विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलने उड़ते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यदि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी जाती है। तो ये जो सब प्रपंच है, ये प्रपंच चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये सत्ता अहंकारी है, दम्भी है, ये संविधान की हत्या करके लोकतंत्र को अपना गुलाम बनाना चाहती है। तो जो लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करने वाले लोग हैं उन सबको एकजुट होने की जरूरत है। और उधर उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की काफी कमी है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो अध्यापक स्कूल में रहते हैं ज्यादातर अन्य कामों में लगे रहते हैं, जिसके चलते जब कोई शिक्षक छुट्टी पर चला जाता है तो स्कूल में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। धन सिंह रावत ने बताया कि शिक्षक संघ ने मुझसे मुलाकात की और अपनी परेशानी रखी, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि कोई शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो उसकी जगह प्रधानाचार्य बाहर से किसी शिक्षक को उस समय के लिए रख सकते हैं।
उधर प्रदेश भर में आईटीआई में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और अब कौशल विकास विभाग प्रदेश में 13 आईटीआई को टाटा समूह के साथ चलाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। कौशल विकास विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हम टाटा समूह के साथ प्रदेश की 13 आईटीआई का अनुबंध करने जा रहे हैं। इस अनुबंध के बाद टाटा समूह उन आईटीआई में 6 कोर्स बच्चों को पढ़ाएगा जिसमें एआई जैसा एडवांस कोर्स भी होगा। वहीं इसके बाद टाटा समूह में उन बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी। देखिए, हमारी कोशिश है कि जो आईटीआई के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्किल उनकी स्किल के लेवल अच्छा हो, अपस्किल हो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं, जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग हो ताकि उनकी जॉब्स की संभावनाएं बढ़े। और हमने 13 आईटीआई का अनुबंध हमने टाटा के साथ किया है, जिसमें कि हमारे तो कोर्सेज चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन टाटा उसमें फ्रेश नए 5 से 6 कोर्सेज ऐड करेगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होंगी। पूरी मशीन लाना, अपने टीचर्स लाना, ट्रेन करना, वो टाटा का दायित्व होगा। 5 साल में लगभग टाटा उसमें 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, 70 करोड़ रुपए हमारी सरकार इन्वेस्ट करेगी। और हर उस आईटीआई में जहां पर टाटा के साथ हमने अनुबंध किया है, 10,000 स्क्वायर फुट का हम एक मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। और उधर श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और होटल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ ही टैक्सी एसोसिएशन और विभिन्न संगठनों ने स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके प्रयासों की सराहना की गई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि मसूरी शहरवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मसूरी को तहसील का दर्जा दिया जाए और मुख्यमंत्री धामी ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है, जिससे मसूरी वासियों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा और तहसील बनने से पटवारी और एसडीएम के साथ ही सभी अधिकारी यहीं उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए फैसले से जनता को लाभ मिल रहा है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी जनता को जो तोहफा 3 तारीख को आपने कैबिनेट में दिया है, बहुत लंबी समय से यहां के लोगों की मांग थी कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ के लोगों को जरा छोटे छोटे से काम के लिए देहरादून जाना पड़ता था, बहुत बड़ी तहसील है, बहुत भीड़ होती थी। और आज 16 पटवारी क्षेत्र, मसूरी शहर व कैंट, इसको मिलाकर ये तहसील बनाई गई है। एसडीएम परमानेंट यहाँ पर बैठेगा, एसडीएम को जैन मजिस्ट्रेट का भी दर्जा दिया गया है एमडीडीए का। और छोटी छोटी बातों के लिए, क्लेम के लिए लोगों को देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। मैं दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जल्द ही यूसीसी को लागू करने की कवायद भी शुरू की जा सकती है। वहीं हरिद्वार में साधु संतों ने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर धामी सरकार का समर्थन किया है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए साधु संतों ने हर की पौड़ी पर बैठकर उपवास किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उत्तराखंड के साथ साथ देश के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने की मांग की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस देश में लागू हो, इसके लिए हरिद्वार के सभी संतों का सरकार को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरिद्वार हर की पौड़ी से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये संतों के द्वारा कॉमन सिविल कोड लागू हो। इस देश में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो इस कानून की बहुत महती आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया है, इस बिल को उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल की है। पौड़ी के विकास भवन सभागार में विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन अवसर पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया, जिस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भवती और धात्री महिलाओं का ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट की इस दौरान जांच की। लाभार्थी महिलाओं को इस मौके पर महालक्ष्मी किट और इसके साथ ही सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। इसके अलावा स्तनपान से बच्चे को मिलने वाले पोषण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर जिला कार्यक्रम के अधिकारी देवेंद्र थपलियाल समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। 7 अगस्त तक तो हमने विश्व स्तनपान दिवस जनपद पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया है, और शुरू के दिन से लेकर आज तक हमने विभिन्न दिन में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करी हैं आंगनबाड़ी केंद्र में परियोजना स्तर पर, और आज समापन स्तर पर हमने जनपद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बुलाई है और विभिन्न गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को हमने यहाँ पर बुलवाया है, जिनका स्वास्थ्य जाँच हो रहा है, जिसमें इनका हीमोग्लोबिन जाँच, इनका ब्लड प्रेशर हो गया, इनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जा रही है, और यदि इनको कोई भी और स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उनके लिए इनको हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही हमने गर्भवती महिलाओं को एक किट दी है, जिसमें इनके सामान्य दैनिक जीवन का कुछ सामग्री है, और एक पात्र महिलाओं का आज महालक्ष्मी किट का वितरण किया। और उधर राजधानी देहरादून में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 के प्रथम चरण का शुभारंभ आज महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय देहरादून में किया गया। अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को छूटे हुए टीके लगवाए जा रहे हैं। जनपद में पहली बार टीकाकरण का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि टीकाकरण के पश्चात डिजिटल टीकाकरण कार्ड तैयार किया जाएगा, जो कि पोर्टल में हमेशा अपलोड किया जा सकेगा। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के 3 चरणों में से प्रथम चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। पूरे देश में जो हमारे रूटीन टीकाकरण जो हम 7 बीमारियों के लिए बच्चों का करते हैं, तो उससे जो भी बच्चे छूट गए या जिनको कोई टीका किसी वजह से नहीं लग पाया है, तो इस विशेष अभियान के दौरान जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने लगातार 6-6 दिन के लिए लगेगा, तो जैसे ये इस महीने अगस्त में ये 7 तारीख से 13 तारीख तक अभियान चल रहा है, तो इसमें जितने भी बच्चे छूटे हुए होंगे, मेन फोकस हमारा मीजिल्स और रूबेला का है, क्योंकि मीजिल्स और रूबेला को हमें इस साल एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हर बच्चे को जो भी 9 महीने का हो गया मीजिल से रूबेला से कवर करेंगे, और जो भी बच्चे और बीमारी से छूटे हुए होंगे उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा हरिद्वार में स्थापित नेहरू युवा केंद्र को गलत ढंग से लीज पर देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर संस्था की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पर शिकायत पर डीएम ने एसडीएम पूरन सिंह राणा को जांच सौंप दी है। मामले में एसडीएम ने नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार के संचालकों को नोटिस भी भेज दिया है। जिलाधिकारी को दी गई शिकायत में बताया गया है कि संस्था की हरिद्वार इकाई के अध्यक्ष दीपा जोशी संस्था के संसाधनों का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रही हैं, और नेहरू युवा केंद्र को एक निजी संस्था को लीज पर भी दिया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने साल 2005 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और अन्य गतिविधियों में बढ़ावा देना है। इससे पहले भी संस्था की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं। नेहरू युवा सेंटर जो स्टेब्लिश है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों के द्वारा डीएम सबको कंप्लेंट दी गई है कि एक तो लैंड को कुछ ईयर के लिए किसी व्यक्ति को लीज पर दी गई है, और जो उसका मोटिव था जो नेहरू युवा सेंटर बनाने का, तो उसके अकॉर्डिंग कार्य भी नहीं किए जा रहे हैं, तो उसी रिगार्डिंग जो भी चीज़ें दी गई है वो उनके जो अभी सेक्रेटरी है वहाँ पर, जो टीम काम कर रही है, जो संस्था काम कर रही है, उनको नोटिस इशू किया गया है, और उनका पक्ष आने के बाद उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि किस आधार पर लीज इत्यादि दी गई है, कौन से राइट्स हैं उनके, और किस मोटिव को लेके ये सेंटर स्थापित किया गया है, तो जो भी चीज़ें रहेगी एज पर लॉ उसको देखा जाएगा और डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।
पूरे देश में लगातार महंगाई आसमान छूती हुई नजर आ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ कुछ लोग अधिक पैसे लेकर लोगों की जेब पर डाका डालने का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने एक कार्यों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का व्यक्ति कोई भी ओवर रेट दी ग्रेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन देहरादून के अंदर हालात ये हैं कि अभी भी जनता से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्षद विशाल कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग उठाई है कि अल्मोड़ा की तर्ज पर राजधानी दून के अंदर भी एक लिस्ट जारी की जाए। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को इसमें ज्ञापन दिया है और मैंने कहा इसका एक दर तय होनी चाहिए, जैसे 30 रुपए कटिंग का हो गया और हमारे जो ये छोटे मकान लोग बनाते हैं इसका एक 225 स्क्वायर मीटर जो है अल्मोड़ा में तय हुआ है उसी की दर पे थोड़ा आगे पीछे करके उसको तय होना चाहिए और विद सेटिंग में तो होना चाहिए कि गरीब आदमी भी अपना एक छोटा सा मकान सेटिंग सहित बना सकता है। अन्य जितने पैंट का है, सूट का है और हमारे जितने भी छोटी छोटी मतलब हर चीज़ को लीजिए आप, ड्राई का है, शेविंग का है, इसका एक दर तय हो जाए तो जनमानस को बहुत उसका लाभ होगा। उधर हल्द्वानी में उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने बुद्ध पार्क में धरना देकर सरकार से भू कानून को लागू करने की मांग की है। युवाओं ने कहा कि अगर उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं किया गया तो उत्तराखंड के युवा सड़कों पर उतरेंगे। युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन आज जिस तरह से बिक रही है उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में बाहरी लोगों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, जिससे उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति प्रभावित होगी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 शीघ्र लागू किया जाए। उत्तराखंड का मूल निवास लागू होने से यहाँ के संसाधनों और रोजगार पर पहला हक उत्तराखंड के लोगों का होगा। उधर बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, जहां आंदोलन में महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। महिलाएं 20 गांवों की मिट्टी को 20 कलश में भरकर आंदोलन स्थल पर पहुंची और आंदोलन को समर्थन दिया। महिलाओं ने ये कलश कोई भागवत कथा या किसी और पूजा के लिए नहीं उठाया, बल्कि भूमि बचाओ आंदोलन के लिए धाती कलश मिट्टी नाम देकर प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। भूमि बचाओ आंदोलन के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि आंदोलन को सभी वर्गों और राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि बाजपुर विधानसभा में 20 गांवों की लगभग 6000 एकड़ भूमि पर तत्कालीन डीएम ने खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से लगातार पीड़ित किसानों और मजदूरों की मांग भूमि अधिकार देने की चल रही थी, लेकिन सरकार के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाने के बाद गुस्साए किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को की थी। उधर ताड़ी खेत विकास खंड के सिंगोली गांव क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना गुलदार आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। बता दें कि रानीखेत वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सिंगोली में 27 मई को एक युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया था और उसको घायल कर दिया था, जिसके चलते वन प्रभाग अल्मोड़ा के आदेशानुसार घटना क्षेत्र में पिंजरा और 4 कैमरे से ट्रैप के लिए यहां लगाए गए थे। क्षेत्र में वन क्षेत्राधिकारी और टीम द्वारा नियमित गश्त की गई और हर रोज गुलदार पिंजरे में कुत्ता रखा जाता रहा। बीती रात कुत्ते का शिकार करने के लिए आया गुलदार पिंजरे में इस दौरान कैद हो गया। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।